नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज, मैं स्वाति। शुक्रवार को सांवेर, महू गांव, गौतमपुरा और बेटवा में नगर परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव होना है। 8 नगर परिषदों में से 4 में भाजपा अपना दबदबा बना चुकी है। अब सांवेर, महू गांव, गौतमपुरा और बेटवा में भी 2 से 3 परिषद भाजपा के खाते में जाना लगभग तय है। अगर स्थितियां अनुकूल हुई तो संभव है कि इस बार 8 परिषद भाजपा की ही बने। शुक्रवार दोपहर तक इसे लेकर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बेटवा की बात करें तो यहां भाजपा के 7 और कांग्रेस के 6 पार्षद हैं, जबकि 2 निर्दलीय पार्षद हैं। निर्दलीय पार्षद यहां की राजनीति का भविष्य तय करेंगे। खास बात यह भी है कि वार्ड 13 में मुलियाबाई यादव व वार्ड 12 से छोटी बाई चौधरी हैं। छोटी बाई के पति कैलाश चौधरी पूर्व में भाजपा से जुड़े थे और बेटमा के नगर अध्यक्ष और मंडल उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस उन्हें अपने पक्ष में करने की पुरजोर कोशिश में है। अगर ऐसा होता है तो दोनों बराबर 7-7 पर रहेंगे। उधर भाजपा अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए दोनों ही निर्दलीय को अपने पक्ष में करने में जुटी है। गौतमपुरा नगर परिषद में निर्दलीय की स्थिति 0 है। इसमें भाजपा के 7 और कांग्रेस के 8 पार्षद हैं। ऐसे में भाजपा का पूरा जोर कांग्रेस समर्थित पार्षद को अपनी ओर करने का है। अगर वह कांग्रेस का 1 पार्षद भी अपने पक्ष में कर लेती है तो 1 वोट से उसकी जीत होगी और अध्यक्ष बनेगा, अन्यथा कांग्रेस पूर्ववत 1 वोट से आगे है और घोषणा बाकी है। मंत्री तुलसी सिलावट की विधानसभा सांवेर परिषद में भाजपा का पूर्ववत बोलबाला है। सांवेर नगर परिषद के 15 वार्डों में से 10 वार्डों में भाजपा समर्थित पार्षद हैं, जबकि 4 वार्डों में कांग्रेस और 1 वार्ड में निर्दलीय पार्षद हैं। यानी यहां अगर कांग्रेस निर्दलीय पार्षद को साथ भी लेती है तो भी परिषद में और पार्टी का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष बनना संभव नहीं है। स्थिति ऐसी बनी है कि कांग्रेस यहाँ भी वॉक ओवर देगी, ये संभावना बन रही है। मंत्री उषा ठाकुर की विधानसभा महू की महू गांव परिषद में भी भाजपा काफी मजबूत है। यहां 15 वार्डों में से 10 वार्डों में भाजपा के पार्षद हैं, जबकि कांग्रेस के 3 व 2 निर्दलीय पार्षद हैं। ऐसे में इस बार महू गांव परिषद में भी कांग्रेस का जीतना असंभव नजर आ रहा है। इस बार यहां वॉक ओवर जैसी स्थिति है। मंगलवार को इंदौर के राव, मानपुर, देपालपुर और हातोद नगर परिषद में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद का चुनाव होना था, लेकिन मानपुर को छोड़ राव, देपालपुर और हतोद में कांग्रेस ने भाजपा को वॉक ओवर दे दिया था। यानी यहां चुनाव की स्थिति ही नहीं बनी, जबकि मानपुर में चुनाव हुए लेकिन यहां भी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की कुर्सी भाजपा के ही खाते में गई।